फिर से शानदार चार लेग पे मारते हुए चार लेग पे चौका। क्या लगता है सुनील सर, 250 होगा? 250 तो इम्पॉसिबल है। बहुत ही खूबसूरत और ये क्या हो गया, गेंद के साथ बैट भी छूट गया। सही है, बट सही है वो बाहर खड़े तो अभी और क्या कर सकते हैं। पांडे जी अच्छी वापसी, गेंद फिर से लेंथ बॉल और गेंद गई चौका। बहुत ही आक्रामककारी आखिरी दो गेंद। आउट हो सकते हैं। कैच कैच बाय राहुल राजुल राजुल देखने मिलेगा। लास्ट गेंद है, वन बॉल सिक्स और बढ़िया घुमाया। बैट स्पीड बहुत तेज थी, बैट स्पीड बहुत तेज थी, बट लास्ट सही जा रहा है, सही जा रहा मनीष भाई, कम ऑन मनीष भाई। बॉल है, कीपर 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 मनीष भाई। सही जा रहे मनीष भाई, ये पीछे चलेगा 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 की तरह जो जमीन के साथ जमीन के खिलाफ से दो अच्छी बॉल मनीष भाई। ये वो की लास्ट बॉल है और रन अभी तक आ चुके हैं। वहाँ पे काफी रूम था, कोई बॉल थी उस पे सिर्फ बैट घुमा दिया कड़क हाथों से, बॉल थर्टी यार्ड सर्कल की। सर्कल पे हैंग बैग मत करो, सिंगल है वहाँ पे। और इसी के साथ बीटी को अपनी पहली विकेट मिल चुकी है स्लो बॉल पे। थर्ड मैन जीटी भाई, हम जानते हैं इस प्लेयर को बहुत लंबा मारता है। बहुत ही बढ़िया खेला था, हल्के हाथों से ओवर थ्रो और इसी के साथ पांच रन। मेरे ख्याल से जब आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं, हम इस गेम के बाद कंटिन्यू करेंगे। और ये बढ़िया शॉट, वहां पे मौका था। बहुत ही बढ़िया शॉट, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ से चार रन प्रीतेश को। हर ओवर में 10-10 रन निकालने होंगे अगर ये विशाल लक्ष्य चेस करके जीतना है। इसी के साथ क्लीन बोल्ड, वही स्लो बॉल, वही फ्लाइंग किस के साथ जीटी को। वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे बढ़िया
बल्लेबाजी करते हैं उनके काफी अच्छे शॉट्स है जो सामने के लिए वी में खेलना पसंद करते हैं। सामने खेलना चाहते थे बढ़िया जो बैट्समैन अभी तक उसको रेगुलरली नहीं खेले उनके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उनको जज करने में। बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव राजुल का, अपीच था थोड़ा फील्डर के ऊपर से, चार रन ज्यादा। देखा होगा कि करण मोस्टली बल्लेबाजी 6-7 नंबर पे करते, पर आज उन्होंने 3 नंबर पे बल्लेबाजी की है। और ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, इसी के साथ 6 रन, पहला छक्का लाइंस की तरफ से, बढ़िया शॉट, स्लो गेंद थी सुमित। जितना ज्यादा टाइम देंगे बल्लेबाज उतना ही बॉल को अच्छे से कनेक्ट करेंगे। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर उसके नीचे, इसी के साथ पीटी। ये बहुत बड़ी विकेट है राजुल की। मिडिल स्टंप और लेग स्टंप की बॉल जो है वो फ्लिक करने के लिए जाने जाते हैं डीके। काफी बाहर बॉल डाला उन्होंने, वाइड, बढ़िया गेंदबाजी थी, स्लो बॉल था मेरे हिसाब से यहाँ से जो हमको दिखा। अंपायर का इशारा है, चार रन तो हमको लग रहा है मेरे हिसाब से काफी बाहर की बॉल थी जिसको लॉन्ग ऑन के रीजन में खेलना चाहते थे। बहुत ही बढ़िया शॉट कट कर दिया हल्के हाथों से थर्ड मैन की तरफ और ये चार रन जीटी को। तो जरूर वो इस पे काम करते हैं, वैसे ही घेला का है। जैसे कि मैं बात कर रहा था ये बॉल के पहले, वहां पे मिसफील्ड कवर के एरिया से दो रन भागने का ट्राई करना चाहिए और बहुत बढ़िया कवर किया है आशीष ने लॉन्ग ऑफ से डीप कवर्स तक। बीटी ने काफी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अगर मैं कहना चाहूंगा इस फाटा विकेट पर। और ये इसी के साथ क्या इन्हें चौथी विकेट मिलेगी, बीटी बॉल के नीचे और ये बढ़िया कैच, चौथी विकेट मिल चुकी है सुमित को। भूख तो हमको भी लगा अभी। अगले बल्लेबाज कीर्तिक आ चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा जो गेंद जिस प्लेयर के पास गई है घेला झोगा नहीं, मैं इसीलिए प्लेयर पे फोकस्ड हूँ। बहुत ही बढ़िया शॉट, क्या ये पांचवी विकेट मिलेगी? यस, इट्स अ फाइवर, इट्स अ फाइवर। खत्म हो
बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ओवरऑल। पांच रन पांच रन बढ़िया शॉट थर्ड मैन की ओर बाउंड्री खूबसूरत शॉट। क्लियर है बॉलिंग कुछ स्पिनर्स को और लाने की ज़रूरत थी। विरल भाई है मितेश भाई है उनको ओवर्स नहीं दिए गए तो वो मेरी तरफ से ही हुआ है आई एक्सेप्ट दैट। और बाकी बैटिंग लाइनअप में थोड़ा और सुधार करने की जरूरत। सो दैट्स इट विल मेक श्योर कि नेक्स्ट गेम में वी विल फाइट बैक सेंटर सेंटर नेक्स्ट गेम में वी विल फाइट बैक एंड विल कम बैक विद द विक्ट्री एंड विल फाइट फाइट इन अ बिग वे। Thank you, all the best for the next match. Stars, Bhavik Thakkar, what do you have to say with this amazing victory? Nothing needs to be spoken about what has happened. The only the message to the batsman was that even though we have not scored too much in the power play, they bowled very well in the power play. The experience of Karan Bhai and Ashish Bhai, so kudos to them for the partnership that they have built. And in the end also we got few extras from that, so that was also one of the addition that we got. So overall it was a complete team performance. In bowling we have Sumit Bhai who bowled exceptionally well. He took the fiver, so he bowled exceptionally well to all the batsmen. He was bowling as per the plan, so that was the important point. Man of the match with you. It's a very big gesture. Oh! It's a very big gesture. And I would like to say when the chips were down 5 over 17 for 1, Karan Chhoda came and played a very brilliant innings. 64. And Sumit bowled exceptionally well. He didn't have a lot of room to attack. And his 4 overs, 14 runs off 5 wickets totally changed the game of the end took away from the opposition. So I would like to hand over the mic to Karan first. What would you like to say about this match? Situation, we were not having a great run rate. With the one fall of wicket, Himesh Bhai in the pavilion. The only way where we thought that, you know, I could attack and Ashish could stay until the end because I was not feeling well with my back problem. So there was no point me wasting the ball, having a back issue. So I and Ashish decided that, you know, he will stay until the end.